फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम साटन लहंगे में अस्तर ऐड करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये साटन का कपड़ा है और हमारे पास ये अस्तर ऐड करने के लिए लाइनिंग का कपड़ा है जो कि हमने सिल्क का लिया है। आप चाहो तो कॉटन का भी ले सकते हो। या हमारे पास साटन की कलियाँ जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हम हमेशा कलियाँ कटिंग करते हैं और ज्वाइंट करते हैं उसी तरीके से ज्वाइंट करी है। यहाँ पर बस सिलाई लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, आप देख लीजिए। देखिए, कटिंग तो हम जैसे करते हैं उसी प्रकार से की हमने। यहाँ पर हमारे पास 8 कलियाँ हैं। ये देखिए, इन कलियों पर हमने बाहर की ओर सिलाई लगा के फिर अंदर की ओर सिलाई लगाई है। इससे क्या है कि साटन सूट में फिनिशिंग अच्छी आती है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अस्तर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कलियों की लेंथ नापनी है। तो यहाँ पर हमारे कलियों की लेंथ है 35 से 36 इंच की, ठीक है। अब हम दो दो कली के हिसाब से इसमें अस्तर ऐड करेंगे। तो पहले हमें ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से कलियों की जो ऊपर से नीचे से चौड़ाई नाप लेनी है। तो ऊपर से चौड़ाई है लगभग 10 इंच की, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा 11 इंच का, ठीक है। तो ऊपर से कलियों की चौड़ाई 11 इंच की होगी। अब नीचे से भी हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं दो दो कली के हिसाब से, ठीक है। नीचे से लगभग कलियों की चौड़ाई 28 इंच की है, तो हम लगभग 29 इंच का नीचे से कलियों की चौड़ाई रखेंगे। अब हमें अस्तर लेना है और एक तरफ से इसकी चौड़ाई लेनी है 28 इंच की और एक तरफ से 14 इंच की। तो यहाँ पर हम 28 या 29 इंच पर मार्क करेंगे और कपड़े को पहले हम ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। हमने इसे 28-29 इंच चौड़ा कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, हमें एक कोने को उठा के इस तरीके से सेंटर में ले आना है कि एक तरफ से तो कलियों की चौड़ाई रहे 11 इंच की और एक तरफ से रहे 29 इंच की, ठीक है। हमने इसे सेंटर में ले आया, तो ये कलियों की चौड़ाई हमने बराबर कर लेनी है इंची टेप से मार्क करके। अब हमें बीच में से इसे कट कर देना है। इसमें हम एक सीधी और एक रेप कली ज्वाइंट करेंगे, जैसे हम हमेशा कलियाँ ज्वाइंट करते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब इस कपड़े को पलटकर, इस कली को पलटकर आप इस तरीके से इसके ऊपर पलटकर उल्टा बिछा दीजिए, ठीक है। और इसी नाप की हमें 3 कलियाँ और कट कर लेनी है, ठीक है। इस कली को पलटकर फिर से इस कपड़े पर रखेंगे और इस नाप की हमें 4 कलियाँ कट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो कपड़े की किनारी है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि अस्तर इसमें हम आधा ऐड करेंगे, क्योंकि कपड़े की जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि हम कलियाँ लंबाई में से कट कर पाएँ, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो किनारी है वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए। इस तरीके से हमने 4 कलियाँ कट कर ली। अब एक उरेब और एक सीधी कली लेके हमके बीच में सिलाई लगा देनी है। तो जो सीधी वाली साइड है कली की, वो आप नीचे की तरफ रखिए और जो उरेब वाली कली है आप उससे ऊपर की ओर रखिए और यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। नीचे वाली जो कली है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा फोल्डिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं आते हैं और सिलाई भी मजबूत लगती है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और ऊपर की ओर एक स्टिच लगा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी कलियाँ हमें इसी तरीके से ज्वाइंट करनी है और ध्यान रखिएगा, एक उरेब और एक सीधी कली लेनी है, वरना घेरे में अच्छे से अस्तर सेट नहीं होगा, ठीक है। हमने सिलाई लगा दी है और ये अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है। अब हमें अस्तर को एकदम अच्छे से बिछाना है, बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं रहनी चाहिए। और इसके ऊपर हम ये साटन का जो हमारा लहंगा है, साटन की जो कलियाँ जुड़ी हुई है उन्हें रखेंगे। ये आप एकदम अच्छे से इसके ऊपर बिछा दीजिए, बिल्कुल भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए। जो सीधी अस्तर की भी जो सीधी साइड है और ऊपर की भी सीधी साइड आप बराबर मिलेगा ऊपर वाली कलियों की भी। ये देखिए, चारों तरफ से थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अस्तर जो है हमें थोड़ा बड़ा कट करना है, उसकी लेंथ हमें अभी कट नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अंदर की तरफ जो सिलाई लगी हुई है कलियों की, उन्हें आप एक साइड में कर दीजिए सारी कलियों की। और फिर हमें एक बड़ी सुई लेनी है और कच्चा धागा लेना है और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्टिच लगा देनी है। सारी कलियों पर हम पहले हाथ से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद मशीन से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि साटन का है तो थोड़ा स्लिप हो जाता है। तो हमें पहले हाथ से सिलाई लगानी होगी, उसके बाद हम मशीन से सिलाई लगाएंगे सारी कलियों पर। अगर आपने हाथ से सिलाई नहीं लगी और सीधे मशीन से सिलाई लगाती तो कपड़े पर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़े में सलवटें पड़ सकती है और अस्तर जो है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि साटन का कपड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा स्लिप होता है। तो आपको सारी कलियों पर इस तरीके से बड़ी बड़ी स्टिच लगानी है बड़ी सुई की हेल्प से। और अंदर की तरफ जो सिलाई में कपड़ा है उसे आप सारी कलियों पर एक साइड में रखिएगा। और सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, अगर आप राइट हैंड की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें तो सारी कलियों पर एक साइड से ही सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं कि आधी दूरी में हम इस तरफ से लगा दें और आधी दूरी में इस तरफ से, तो ये गलत होगा, बीच में झोल पड़ सकता है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे
जब हमने अस्तर की कलियों की कटिंग करी थी तो हमें कलियों की जो लेंथ है वो कट नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, आपको अभी बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का आपको। अब हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और फिर साइड के सिलाई लगाएंगे। अब देखिए नीचे से हमें गोलाई भी देनी है, तो देखिए जो कोना है यहाँ से इसके नीचे से हमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से दूसरी कली की जो सिलाई है वहाँ तक स्ट्रेट कट कर दीजिए। पहले आप चौक से मार्क कर लीजिए, देखिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम भी स्ट्रेट नहीं होगा, हल्की सी गोलाई होगी, बिल्कुल हल्की सी। और जो हमने सिलाई लगा रखी है वो बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, इसके नीचे से हमें कट करना है। अगर आपने सिलाई वाला कपड़ा कट कर दिया छोटी वाली कली का, तो आपकी जो कलियों की लेंथ है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम कली की सिलाई के नीचे से दूसरी कली की सिलाई तक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और इस तरीके से कट कर देंगे अस्तर को भी और ऊपर वाले फैब्रिक को भी। इस तरीके से लहंगे में गोलाई आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसका लिंक अलग से दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हमने इसकी अच्छे से गोलाई दे दी है, कहीं पर आपको फिर भी छोटा बड़ा लगे तो आप फिर से कटिंग कर सकते हो। अब हम इन कलियों के ऊपर सिलाई लगानी है, तो पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए साइड की सिलाई लगाते वक्त हमें ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की ओर और अस्तर को भी अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। साइड की कली पर भी हमने हाथ से सिलाई लगा रखी है, थोड़ा अंदर की ओर, ठीक है, एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिएगा। और बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि एक साइड वाली कली उरेब भी होती है तो वो बढ़ सकती है, ठीक है। आपको अच्छे से हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। ये हमने साइड की सिलाई लगा दी है। अब हम सारी कलियों पर अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो आप जिस साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप राइट हैंड की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, तो सारी कलियों पर उसी तरफ से सिलाई लगानी है, ठीक है। आधी आधी करके हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। और सारी कलियों पर हमने हाथ से सिलाई लगा रखी है, फिर भी इस कलियों को आप पीछे से पकड़ के और फिर स्टिच कर दीजिएगा। और स्टिचिंग करते वक्त आपको मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर लेनी है। फिर हमें साइड की सिलाई लगा देनी है सारी कलियों पर। इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद पहले एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे एंड तक आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। ये लहंगे पर अच्छे से हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसके ऊपर मगजी लगाएंगे। मगजी बनाने का वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अब सारे गुणे को देखिए, आप इस तरीके से एक साइड में फोल्ड कीजिए। अगर फोल्ड नहीं हो रहा तो आप इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हो। इस लहंगे के ऊपर में हमने गोटे से वर्क भी करा है। अच्छे से फोल्ड कीजिए। मगजी को यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से मगजी को पकड़ते हुए रखिए। और सिलाई में कपड़ा आपको बराबर लेना है। अगर आपने कहीं पर ज़्यादा बड़ा कर दिया तो इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और जो गोल मगजी के ऊपर हमने सिलाई लगा रखी है उसके पास में आपको सिलाई लगानी है। जितनी दूरी पर आप सिलाई लगाएंगे उतना बारीक या मोटा गुणा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जितना चाहते हो उतनी दूरी पर सिलाई लगा दीजिए। ज़्यादा मोटा गुणा भी अच्छा नहीं लगता है। और बराबर दूरी पर सिलाई लगाएगा तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के सिलाई लगानी है और धीरे धीरे सिलाई लगानी है। अगर आपने फास्ट फास्ट और लंबी दूरी में सिलाई लगाई तो आपका गुणा बिल्कुल भी बराबर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। और देखिए यहाँ से जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रख रखा है उसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा किनारे पर भी नहीं लगानी, थोड़ा सा अंदर की ओर लगानी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड होने के बाद हम अंदर से इसे पलटेंगे, उल्टा करेंगे लहंगे को और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। ध्यान से कटिंग कीजिएगा, लहंगा बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आराम से कट कर दीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। इससे क्या है, जब हम मगजी को पलट कर ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की ओर नहीं दिखेगा और कपड़े के धागे भी बाहर की ओर नहीं आएंगे। अब हम सारे कपड़े को ऊपर की ओर कर देंगे जो भी हमने सिलाई में लिया है, और लगभग चौथा इंच दूरी पर इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कि जो अंदर की ओर सारा कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। ऊपर से मगजी को एकदम गुणे को इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई लगाइए। बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं रहनी चाहिए। आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के सिलाई लगा लीजिए और गुणा एकदम बराबर दिखना चाहिए और अंदर की तरफ से कपड़ा भी अच्छे से दबना चाहिए, ठीक है। लहंगे को सीधा करके ही सिलाई लगानी है, उल्टा करके नहीं लगानी है। ये हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको गोल बना लेंगे, यानी कि साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो हम पहले मगजी को बराबर मिलाएंगे और फिर गुणे को भी बराबर मिला देंगे। ठीक है, ऊपर की ओर से हम इसे थोड़ी दूरी में ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है और अलग से पट्टी लगानी है ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो, इसलिए हम ऊपर से थोड़ी दूरी में सिलाई नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पट्टी लगा देनी है इस तरीके से। ये हमने सीधी पट्टी कट करी है,
और फिर इसे ऊपर की ओर या फिर अंदर की ओर पलटकर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो और ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। अब हमें नेफा अटैच करना है, चेन अटैच करनी है, तो आप चेन को नीचे की तरफ रखिए और ऊपर लहंगे को रखिए और बराबर कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर दीजिए। अगर आपने कलियाँ चुन्नट वाली कट करी है तो आप सारी कलियों में एक एक चुन्नट भी डाल दीजिएगा। अस्तर को ऊपर में फैब्रिक को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, बराबर रहने चाहिए दोनों। अब हम चेन को फोल्ड कर देते हैं, तो लगभग 1.25 इंच चौड़ी हमें चेन की फोल्डिंग करनी है। देखिए चेन फोल्ड करते वक्त कई बार सलवटें आती है, साटन का कपड़ा तो आ भी सकती है, तो पहले आपको चेन को फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर हल्का सा लहंगे को खींच लेना है। इससे क्या है, इसमें बेलन नहीं पड़ती है और एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। चेन को पीछे से पकड़ते हुए रखिएगा। देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे, फिर हल्का सा लहंगे को, सिर्फ लहंगे को खींच लेंगे ये इस तरीके से। इससे इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ती है। इस तरीके से हमने पूरी चीन लगा ली, अच्छे से फोल्ड हो गई और हमारा लहंगा बनकर रेडी है। इसके ऊपर हमने देख सकते हैं गोटे से एम्ब्रॉयडरी भी करी है। थैंक यू।